छत्तीसगढ़ का जो सरकार का तिजोरी है, इसमें जो खजाना है, इस पर अधिकार छत्तीसगढ़ के दलित, आदिवासी और पिछड़ों का है या नहीं है, मुझे जरा जवाब दो। आपका अधिकार है या नहीं है खजाने पर? ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं। जिनके मन में अपने प्रदेश की गरीब जनता के लिए भलाई न बसी हो, अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए मैं कहता हूं, एक कांग्रेस का बनाया हुआ प्रीपेड सीएम है, कांग्रेस ने प्रीपेड सीएम बनाया है। अगर गलती से भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए तो प्रीपेड कार्ड को कांग्रेस रोज स्वैप कर एटीएम से हजारों करोड़ रुपया निकाल कर ले जाएगी। अब मुझे बताओ भाई, अगर ये सारा पैसा दिल्ली चला जाएगा तो छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा? हो सकता है क्या? ये 5 साल में हमने जो 15 साल में किया था उसकी उल्टी गंगा बहाने का काम ये भूपेश बघेल ने किया है। इस सीएम, इसकी वैलिडिटी इतनी ही है, इसका टॉकिंग टाइम इतना ही है, उतना डेटा का टाइम इतना ही है जितने टाइम इनका प्रीपेड कार्ड स्वैप होता रहेगा। भाइयों बहनों, जैसे प्रीपेड सिम कार्ड पैसा खलास होते ही बंद हो जाता है, ऐसे पैसा खलास होते ही सीएम का टाइम समाप्त हो जाएगा। और ये सीएम अपना टाइम समाप्त न होने के लिए ढेर सारे घोटाले ये 5 साल के अंदर किए हैं। इनको